दुबले पतले दिखने वाले राणा दिगुबाती ने फिल्म के लिए बनाई थी हल्क जैसी बॉडी, पहचाना था मुश्किल। भारतीय सिनेमा में बाहुबली जैसी भव्य फिल्म दोबारा बनाना आसान नहीं होगा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। बाहुबली की दोनों सीरीज के हर सीन, विजुअल इफेक्ट्स और भव्य सेट ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। बाहुबली का पहला पार्ट 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुआ था। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 4 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म के मुख्य किरदार प्रभास और राणा दिगुबाती ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था। दोनों किरदारों ने खूब सुर्खियां बटोरी। बाहुबली के अलावा भालाल देव को फैंस आज भी नहीं भूल पाए हैं। इस फिल्म के लिए राणा ने खास ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने अपने पूरे फिजीक को फिल्म के लिए बदल दिया। सब फिल्म से पहले तक राणा बेहद दुबले हुआ करते थे, जबकि बाहुबली में देखने के बाद तो उन्हें पहचाना भी मुश्किल था। राणा की ये तस्वीर काफी पुरानी है, कुछ लोग तो उन्हें हल्क कहने से भी नहीं चूके। बाहुबली 2 के लिए राणा ने अपना वजन 93 किलो से बढ़ाकर 125 किलो तक कर लिया था। इस बॉडी को पाने के लिए राणा ने खूब चिकन खाया है, साथ ही घंटों तक वर्कआउट भी करते थे। फिल्म में राणा दिगुबाती ने हीरो प्रभास को कड़ी टक्कर दी थी। राणा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में फिल्म लीडर से की थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 2011 में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। ये फिल्म थी दम मारो दम। राणा दिगुबाती की हिट हिंदी फिल्म बेबी थी। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। अपने 9 साल के करियर में राणा ने 30 फिल्में की हैं। उनकी अगली फिल्म भुजा द प्राइड ऑफ इंडिया है।